मेरे 99% आए हैं, जिसमें से 6 मार्क्स कटे हैं। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में जन्मी बेटी कुमारी शिखा यादव ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता के कीर्तिमान स्थापित किया है। CBSE बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुमारी शिखा यादव ने 99.2% अंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी शिखा यादव ने जनपद मैनपुरी में ही नहीं अपितु आगरा मंडल की सर्वश्रेष्ठ सूची में स्थान प्राप्त किया है। शिखा यादव की इस उपलब्धि पर परिवार वाले, घर परिवार एवं शुभचिंतक फूले नहीं समा रहे हैं। जनपद के कस्बा करहल स्थित आवास पर कुमारी शिखा यादव व उनके पिता राकेश यादव को मिठाई खिलाकर बधाई देने का तांता लगा है। बताते चले कि प्रतिभाशाली कुमारी शिखा यादव बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। अपनी पढ़ाई को लेकर शिखा यादव सदैव बेहद संजीदा रहती थी। दिन हो या रात, अपने घर परिवार में भाई बहनों के साथ पढ़ाई के लिए सक्रिय बनी रहती थी। प्रतिभाशाली शिखा यादव ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, बड़ी बहन शालू व गुरुजनों को दिया है। बहरहाल शिखा यादव के घर खुशी का माहौल नजर आ रहा है। CBSE बोर्ड में टॉप आई है, क्या है पूरा माहौल बताएं? मेरे 99% आए हैं, जिसमें से 6 मार्क्स कटे हैं और आगरा मंडल और मैनपुरी और मैं अपने स्कूल में टॉप हूँ। अच्छा, इस पढ़ाई का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आपने इतना टॉप किया है? मैं अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली को और अपने सिबलिंग्स को, दीदी को, टीचर्स को। सर, हमारी बहन श्रुति जी ग्लोबल मैनपुरी से पढ़ी हुई है, जो कि हम मतलब हमारा जो नेटिव प्लेस है वो करहल है, और उसने आगरा मंडल टॉप किया है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और उसके पीछे उसकी मेहनत जो उसने पूरे साल की है, मतलब वो हर चीज़ से, हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर एक तरह से फ़ोन की बात करें, तो उसने एक तरह से डिस्टेंस ही बना कर रखी है। जब तक उसने अगर कोई टारगेट सेट किया है, जब तक उसका पूरा नहीं हुआ है, तब तक उसने फ़ोन को टच नहीं किया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट टू जितने भी स्टूडेंट्स हैं आने वाले, उनसे मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया, जो भी फ़ोन है, उसे थोड़ी डिस्टेंस बना कर रखें, जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अच्छा, आज आपकी बेटी टॉप किया है, उसने क्या है पूरा मतलब बताएं? पढ़ने में बहुत होशियार है और इन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत का फल मिला है।